मैं जा रही हूँ पकोड़े की सब्जी बनाने। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आप इसकी सब्जी कैसे बनाते हो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। मैं तेल में ही हल्दी भी डाल देती हूँ, इससे हल्दी कच्ची नहीं रहती। अब मैं प्याज और पकौड़े साथ में डालती हूँ, इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं धीमी आंच कर देती हूँ गैस की और ढक्कन लगा देती हूँ, पकौड़े हमारे पक जाएं, उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। आठ से नौ मिनट समथिंग हो गए हैं धीमी आंच में, पकौड़े हमारे पक गए हैं। अब गैस की फ्लेम में तेज कर लेती हूँ और इनको अच्छे से भून लेती हूँ कि पक गए हैं, सुनहरे होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं इसमें एक चम्मच समथिंग धनिया पाउडर डाल देती हूँ, इसमें अच्छे से भून जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा भुना जीरा डाल देती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं किचन किंग मसाला डाल देती हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे भुन गए। मैं गैस की फ्लेम धीमी कर देती हूँ और इनको धीमी आंच में थोड़ी देर भुनने देती हूँ, तीन से चार मिनट। पकौड़े की सब्जी बनकर तैयार हो गई, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये हो गई है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट लेती हूँ, गैस की फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, अब मैं दूसरे बर्तन में ये सब्जी पलट लेती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पकौड़े की सब्जी बनकर तैयार हो गई। आपको मेरे पकौड़े की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।